कैसे हो बच्चों आप लोग। लोफ टोट मैंने आपके साथ स्टार्ट किया हुआ है। दो क्लासेस मैंने आपको करवा दी थी और आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि टोट हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक टोट के कोई एग्जाम्पल पता नहीं लगे। तो आज आपका इंतजार खत्म हो रहा है। आज मैं आपको सारे के सारे जो पॉइंट बताने वाला हूँ वो सारे मैं आपको लोफ टोट के एग्जाम्पल्स बताऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टोट्स कौन से होते हैं। तो आज की क्लास में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है? तो चलिए बेटा शुरुआत करते हैं। टोट और रोंग्स टू पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम। मैं आपको बता दूं कि जितने टाइप के टोट मैं आज आपको बताने वाला हूं, इसके अलावा और भी टोट हो सकते हैं। पहली बात तो सारे टोट आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है? दूसरी बात ये कि आज जो टोट मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, आज जो रोंग्स मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, वो पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम यानी किस आपकी बॉडी के लिए जो रोंग हो सकता है, आपकी पर्सनल फ्रीडम के लिए जो रोंग हो सकता है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो पहले टाइप के टोट का नाम क्या है? पहला टाइप का टोट है बैटरी। सर ये कैसा है, वो टॉर्च वाली बात हो रही है? टॉर्च वाली बैटरी? नहीं बेटा, बैटरी का मतलब क्या है यहाँ पे देखिएगा। जब हम लोग लोफ टोट पढ़ेंगे तो बैटरी का मीनिंग क्या होता है? एनी डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू द पर्सन ऑफ अनदर इंडिविजुअल विदाउट हिज कंसेंट और लॉफुल जस्टिफिकेशन इज ए रोंग ऑफ बैटरी। यानी अगर आप किसी पर्सन की बॉडी पे डायरेक्ट यूज ऑफ एप्लीकेशन करते हैं, जैसे मान लो आपने एक स्टिक ली, एक डंडा लिया और किसी को मार दिया, इट मीन्स आपने क्या किया, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स या बोल सकते हो डायरेक्ट यूज ऑफ फोर्स टू द पर्सन ऑफ अनदर इंडिविजुअल यानी किसी दूसरे पर्सन के ऊपर, और विदाउट हिज कंसेंट, बिना उसकी कंसेंट के, बिना उसकी सहमति के, और लॉफुल जस्टिफिकेशन, कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन भी आपके पास नहीं है। जैसे मान लीजिए आप चोर हैं, चलो आप नहीं चोर हैं, कोई चोर है, ठीक है, आप क्यों चोर बनो? मान लो कोई चोर है, वो चोरी करके भाग रहा है, पुलिस वाले ने उसको धक्का दे दिया, मतलब वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसको धक्का देके गिरा दिया और फिर उसको पकड़ लिया। तो यहाँ पे डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तो हुआ, लेकिन ये टोट नहीं है। टोट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे लॉफुल जस्टिफिकेशन है, यहाँ पे उनके पास राइट था ना उसको पकड़ने का, तो इसलिए उसको बैटरी नहीं बोला गया। बात समझ में आ रही है? एक बार मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से ये शो हो जाए। देखिए बेटा क्या क्या बातें बताई गई हैं यहां पे, कि बैटरी एनी डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यानी कि आपने फोर्स का डायरेक्ट यूज किया किसी दूसरे पर्सन पे, और दो बातें याद रखनी हैं कि इसमें उसकी कंसेंट नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप दोस्त लोग खड़े होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं और आपस में एक दूसरे को धक्का दे देते हैं मजाक मजाक में, तो आप उस पे लॉ ऑफ टोट में केस नहीं कर सकते, वो कंसेंट मानी जाती है क्योंकि मजाक में सारा काम हो रहा था ना। और लॉफुल जस्टिफिकेशन यानी या तो आपके पास कंसेंट है और या आपके पास लॉफुल जस्टिफिकेशन है तो बैटरी नहीं बनती है। बात समझ में आ रही है? तो बैटरी का केस कब बनेगा, जब आपने डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स लगाया था बिना उसकी कंसेंट के और बिना लॉफुल जस्टिफिकेशन के, तो वो बंदा आप पे केस कर सकता है। टू कंस्टिट्यूट ए टोट ऑफ बैटरी देयरफॉर टू थिंग्स आर नेसेसरी, दो बातें जरूरी हैं। पहला क्या, यूज ऑफ फोर्स, आपने क्या किया, फोर्स का यूज किया। हाउएवर ट्राइबल इट मे बी विदाउट द प्लेंटिव कंसेंट, ट्राइबल का मतलब क्या होता है, चाहे वो बिल्कुल नाम मात्र हो, ऐसा नहीं है कि जोर से ही धक्का देना जरूरी था, जोर से धक्का देना जरूरी था, जोर से डंडा मारना जरूरी था, ये जरूरी नहीं है। हम लोग जब बात कर रहे हैं फोर्स की, तो फोर्स कितनी भी हो सकती है, चाहे नाम मात्र हो, चाहे आपने किसी को ऐसे टच किया हो, या तो आपने किसी को बिल्कुल जोर से धक्का देके गिरा दिया, या आपने बिल्कुल हल्के से धक्का दिया, या आपने बिल्कुल हल्के से टच किया, सारे के सारे केस क्या होंगे, बैटरी में आएंगे, क्योंकि बात हो रही है एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की। और जब हम लोग फोर्स की बात करेंगे तो ये तो नहीं बोला ना कि फोर्स ज्यादा के कम, ये तो नहीं बोला कि
कि हाई फोर्स यूज करना है, लो फोर्स यूज करना है, कितनी भी पावर आपने यूज की हो, चाहे वो थोड़ी है वो ज्यादा है, वो सारे किस में आएंगे? बैटरी में आएंगे। और दूसरा, विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, यानी कि आपने फोर्स को यूज किया बिना प्लेंटिव की कंसेंट के और बिना लॉफुल जस्टिफिकेशन के, तो इसे बैटरी माना जाएगा। ठीक है, ये जो लॉफ टोर्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इंडिया में ये बहुत रिसेंट है, इंडिया में बहुत ज्यादा चलता नहीं है। जो ज्यादातर ये केस आपको मिलेंगे ये फोरन के केस हैं, है ना, फोरन में चलते हैं ये लॉ ज्यादा। देखो, इवन दो द फोर्स यूज्ड इज वेरी ट्राइबल, ट्राइबल मीन्स नाम मात्र, बहुत थोड़ा सा ही, डज नॉट कोज एनी हार्म, उसको कोई नुकसान भी नहीं हुआ सामने वाले को, फिर भी क्या माना जाएगा? रोंग कमिटेड हो गया। ध्यान है आपको मैंने क्या बोला था, लॉ ऑफ टोर्ट में लीगल राइट का वोल्यूशन होना जरूरी होता है, हार्म होना जरूरी नहीं होता। डज इवन टू टच ए पर्सन इन एंगर, आपने गुस्से में किसी को छुआ भी, ठीक है, विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, तो उसे हम लोग क्या मानेंगे? बैटरी मानेंगे। तो बच्चों यहां से आपको क्या क्या बातें सीखने को मिली फिर से समझ लीजिए, जब हम लोग बात करते हैं बैटरी की, इट मीन्स आप डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कर रहे हैं, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ पावर का यूज है वो कर रहे हैं, वो फोर्स कितनी होगी वो कितनी भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो पहली बात याद करोगे डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, दूसरी बात क्या याद करनी है आपको, विदाउट हिज कंसेंट, दूसरी बात, और तीसरी बात विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, तीसरी बात, बस तीन ही बात तो याद रखनी है कि आपने किसी पर्सन के ऊपर फोर्स को यूज किया जब उसकी कंसेंट नहीं है या आपके पास लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है तो बैटरी का केस बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? हमारे इंडिया में तो ऐसे केस है ना, जैसे मान लो पेरेंट्स होते हैं बच्चे को चप्पल झाड़ू लात मुंह के थप्पड़ कुछ भी मार देते हैं। मेरा एक फ्रेंड है फोरन में, उसने अपने बेटे की पिटाई कर दी, उसने पुलिस वाले को फोन कर दिया कि मेरे को मारते हैं, और पुलिस वाले उसके पापा को उठा के ले गए। तो फोरन में जो लोग हैं वो बड़े मतलब नाजुक से हैं कि हाँ भाई कुछ भी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अपने इंडिया में तो ऐसा चलता ही नहीं है, डंडा उठाया फटाफट से मम्मी रोज झाड़ू से मार देती है ना। तो जब हम लोग लॉ ऑफ टोर्ट पढ़ते हैं ना, इंडिया में लॉ ऑफ टोर्ट बहुत नया है, बहुत कम केस मिलेंगे, जितने भी केस मिलेंगे लॉ ऑफ टोर्ट के वो फोरन के केस मिलते हैं आपको। तो धीरे 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 अब इंडिया में भी लॉ ऑफ टोर्ट है वो आता जा रहा है, इसके केस आ रहे हैं, तो लोग अवेयर हो गए अपने राइट को लेके, है ना। तो इसमें आपको ऐसा लगेगा सर ऐसे थोड़ी होता है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, इस ये क्या लॉ ऑफ टोर्ट हुआ, इसमें तो कुछ नहीं होगा। तो धीरे धीरे लोग जो हैं अपने राइट से अवेयर हो रहे हैं। कई बार क्या होता ना, हमें हमारे राइट के बारे में पता ही नहीं होता, तो उस केस में हमें लगता है कि हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं, ये तो हो ही सकता है। तो आपके बहुत सारे ऐसे राइट हैं, जैसे मान लो बैटरी में लगा लो कि किसी पर्सन ने विदाउट आपकी कंसेंट के, विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन के इवन आपको टच भी किया, तो उस केस में ये बैटरी का केस बन जाता है, आप जाके कोर्ट में शू कर सकते हो उसके ऊपर। ठीक है बेटा, तो बैटरी का मतलब एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स को यूज करना। एसोल्ट, एसोल्ट का अगर सिंपल मीनिंग समझे तो इसका मतलब होता है मन में डर पैदा करना। ठीक है, देखो, व्हेन द डिफेंडेंट बाय हिज एक्ट, जब डिफेंडेंट अपने एक्ट से क्रिएट्स एन एप्रिहेंशन, मतलब होता है खतरा, डर इन द माइंड ऑफ द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ कौन होता है बेटा? पीड़ित पक्ष, इंजर्ड पार्टी। जब कोई डिफेंडेंट कौन था? रोंग डूअर। जब रोंग डूअर अपने किसी काम से प्लेंटिफ के माइंड में डर पैदा करता है दैट ही इज गोइंग टू कमिट बैटरी अगेंस्ट हिम, कि वो उसके अगेंस्ट बैटरी करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे खड़े हैं, मैं एक चाकू लेके आया और आपकी तरफ दौड़ता आ रहा हूं कि तेरे को मारूंगा, तेरे को खत्म कर दूंगा, अभी तेरा खून कर दूंगा, और आपके पास जब तक मैं नहीं पहुंचा, जब तक मैंने चाकू नहीं मारा, उससे पहले आपके दिमाग में एक खतरा आएगा कि नहीं आएगा? आपको डर लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो ये क्या है? ये एसोल्ट है। इट मींस जब बैटरी होती है तो जनरली उससे पहले एसोल्ट होता है। आपने क्या किया? आपने गन निकाली और किसी के दिमाग पे ऐसे लगा दी सिर पे कि भाई अब तेरी खोपड़ी खोल दूंगा, तो उस बंदे को डर लगेगा नहीं लगेगा? अभी आपने गोली चलाई नहीं है, हो सकता आप ना भी चलाओ,
हो सकता है कि आप बैटरी ना भी करो, लेकिन आपने सामने वाले के मन में डर तो पैदा कर दिया ना, तो डर पैदा करना इज असोल्ट। समझ पा रहे हो? तो व्हेन द डिफेंडेंट बाय हिज एक्ट क्रिएट्स एन एप्रिहेंशन इन द माइंड ऑफ द प्लेंटिफ दैट ही इज गोइंग टू कमिट बैटरी अगेंस्ट हिम, वो बैटरी कमिट करने वाला है, ऐसा डर अगर आपने सामने वाले के मन में पैदा कर दिया तो दिस इज कॉल्ड टोट। टोट और कौन सा टोट? एसोल्ट। ठीक है, और जनरली जब बैटरी होती है तो एसोल्ट भी होता है, क्योंकि जब आप डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ यूज जो जो फोर्स करेंगे तो सामने वाले के मन में पहले डर तो आएगा, लेकिन एक केस हो सकता है जब बैटरी भी कमिट हुई हो और एसोल्ट ना हुआ हो। जैसे आप बैठे हैं, पीछे से आके किसी ने आपके जोर से डंडा मार दिया, आपको पता ही नहीं लगा। पता कब लगा? जब डंडा लग गया, तो पहले तो मन में डर पैदा हुआ ही नहीं, तो बैटरी तो कमिट हो गई लेकिन एसोल्ट उस केस में हुआ ही नहीं। तो क्या कह रहा है? द लॉ ऑफ एसोल्ट इज सब्सटेंशली द सेम। सब्सटेंशली मतलब कह रहे कि ज्यादातर ज्यादातर वो सेम है बैटरी के जैसे, बस फर्क क्या है कि यहां पे एप्रीहेंशन ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, इसमें यह होता है कि वो मारेगा डर लग रहा है, नोट द कॉन्टेक्ट इट सेल्फ हैज टू बी एस्टेब्लिश्ड। यानी एसोल्ट में, एसोल्ट कब तक है? जब तक बैटरी नहीं हुआ। एग्जाम्पल से समझो, मैं एक डंडा लेके आपकी तरफ दौड़ रहा हूं कि भाई साहब आज तेरा काम तमाम कर दूंगा, तेरी खोपड़ी खोल दूंगा मैं। आप आगे आगे भागे जा रहे हो, मैं डंडा लेके पीछे पीछे भाग रहा हूं, तो जब तक मैंने आपको डंडा नहीं मार दिया तो इसे क्या बोलेंगे? एसोल्ट बोलेंगे। और जैसे ही डंडा लग गया तो वो क्या बन जाएगा? वो बैटरी बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो क्या कह रहा है? देखो, द लॉ ऑफ एसोल्ट इज सब्सटेंशली मतलब ज्यादातर सेम ही है, बैटरी के जैसा ही है, बस फर्क क्या है कि एप्रीहेंशन ऑफ कॉन्टेक्ट नोट द कॉन्टेक्ट, यानी इसमें कॉन्टेक्ट नहीं होता, डंडा आपके कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा, डंडा आपको लगेगा नहीं, सिर्फ आपके मन में खतरा आएगा कि डंडा मेरे को पड़ने वाला है। बात समझ में आ रही है? बैटरी में डंडा आपको लग गया था और एसोल्ट में डंडा लग जाएगा, ऐसा आपको डर लग रहा है, बस इतनी सी बात है। बात समझ में आ रही है? यूजुअली व्हेन देयर इज ए बैटरी देयर विल ऑल्सो बी एसोल्ट बट नॉट फॉर इंस्टांस। इंस्टांस का मतलब एग्जाम्पल। कब नहीं होगा? व्हेन ए पर्सन इज हिट फ्रॉम बिहाइंड, जब एक बंदे को पीछे से मारा जाए, जब एक बंदे को पीछे से मारा जाएगा तो एसोल्ट नहीं होता है, तो सीधी बैटरी होती है। इफ डिफेंडेंट बाय हिज एक्ट इंटेंस, इंटेंस का मतलब शो करता है कि मैं ऐसा करने वाला हूं, टू कमिट ए बैटरी एंड द प्लेंटिफ एप्रीहेंड्स, और प्लेंटिफ डर जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एसोल्ट बोलते हैं। एक बार मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं, आप इसको अच्छे से पढ़ लो, फिर मैं आपको दोबारा सिखाऊंगा अभी ये। हाँ जी बच्चों, पढ़ लिया आपने इसको? फिर से समझ लो क्या क्या मैं कह रहा हूं। When the defendant by his act, थोड़ा सा इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं ना, जब डिफेंडेंट, डिफेंडेंट कौन होता है क्या आप मुझे बता सकते हो? डिफेंडेंट कौन होता है? सर डिफेंडेंट वो पर्सन होता है जो गलत करता है, रोंग डूअर है। जब गलत करने वाला पर्सन अपने किसी काम से क्रिएट एन एम्प्रिहेंशन, इट मीन्स खतरा पैदा करता है, खतरा पैदा करता है इन द माइंड ऑफ प्लेंटिफ, पीड़ित पक्ष के दिमाग में खतरा पैदा करेगा अपने किसी काम से, किस बात का खतरा? That he is going to commit battery against him, कि मैं तेरे खिलाफ बैटरी करने वाला हूं। बैटरी करने वाला मतलब मैं तेरे को मारने वाला हूं, तो मारने वाला हूं, ऐसा कुछ काम किया जिससे सामने वाले को ये लगे कि ये मेरे को मारेगा, तो उसके मन में डर पैदा होगा, और इस डर पैदा करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आपने assault किया, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। The tort of assault is committed। बात समझ में आई? अब ये कह रहा है the law of assault, जो assault का law है इज सब्सटेंशली ज्यादातर सेम ही है, सब्सटेंशली का मतलब होता है ज्यादातर, एज दैट ऑफ बैटरी, कि जैसा बैटरी का है, एक्सेप्ट सिर्फ एक फर्क है, वो क्या फर्क क्या है कि एप्रीहेंशन ऑफ कॉन्टेक्ट, एसोल्ट में क्या होता है कि कोई चीज आपके कॉन्टेक्ट में आएगी, इसका खतरा आ रहा है कि डंडा आपको लगेगा, इसका दिमाग में खतरा आया है, नोट द कॉन्टेक्ट इट सेल्फ, डंडा लगता नहीं है, डंडा लग गया, लगते ही तो क्या बन जाएगा? बैटरी बन जाएगा।
हैज टू बी एस्टेब्लिश। कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश नहीं हुआ, खाली डर पैदा हुआ था कि कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश होने वाला है। समझ पा रहे हो? यूजुअली व्हेन देयर इज ए बैटरी, जब जनरली बैटरी होती है तो वहां पे एसोल्ट भी होता है। बात समझ में आ रही है? जब बैटरी होती है तो एसोल्ट भी होता है, बट नॉट फॉर इंस्टांस। एग्जाम्पल दे रखा है कि जब एक पर्सन को पीछे से हिट किया जाए। हेलो, जब एक पर्सन को पीछे से हिट किया जाएगा तो एसोल्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके मन में डर पैदा हुआ ही नहीं, सीधा ही बैटरी कमिट है वो हो जाती है। तो इफ द डिफेंडेंट बाय हिज एक्ट इंटेंड्स टू कमिट ए बैटरी, जब एक डिफेंडेंट अपने काम से ये शो करता है कि मैं बैटरी करने वाला हूं, द प्लेंटिफ एप्रिहेंड, प्लेंटिफ डर जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? एसोल्ट कॉल करते हैं। तो बताओ बेटा, बैटरी में और एसोल्ट में आपको कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ सर, बैटरी में तो डंडा मार देंगे, सिर फोड़ देंगे। एसोल्ट में डंडा मारा नहीं है, खाली डराया है। जैसे ही डंडा लगेगा, एसोल्ट खत्म हो जाता है, बैटरी स्टार्ट हो जाता है, फिर बैटरी हो जाती है ना? इसके बाद है बॉडीली हार्म। बॉडीली हार्म, ए विलफुल एक्ट। विलफुल मतलब जानबूझ के किया गया काम या स्टेटमेंट, या खाली आपने बोला। एग्जाम्पल देता हूं, देखो। जैसे मान लो आपने सीएस का एग्जाम दिया, मैं आपका टीचर नहीं हूं, ऐसे कोई भी पर्सन हूं, ठीक है, और मैं आपको पसंद नहीं करता। आपका जब रिजल्ट आया तो मैंने आपको फोन किया, क्या हुआ? आपने एग्जाम बढ़िया नहीं लिखा था, आप तो फेल हो गए। और इस बात को सुन के आपको बहुत बड़ा दिमाग में झटका लगा और आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, मेंटल डिस्टरबेंस हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? और आप जबकि पास हो गए थे, मैंने जो ये बोला, मैंने जानबूझ के बोला, तुम्हें परेशान करने के लिए बोला। तो विलफुल स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंडेंट कैलकुलेटेड टू ए कोज फिजिकल हार्म, और आपके दिमाग में कुछ परेशानी आ गई है ना, आप पागल हो गए या आपको हार्ट अटैक आ गया, कुछ भी हो गया, टू द प्लेंटिफ एंड इनफेक्ट कोजिंग फिजिकल हार्म टू हिम इज ए टोर्ट। तो उसको बोलते हैं बॉडीली हार्म, ठीक है। जब आप अपने किसी काम से या स्टेटमेंट से ऐसा कुछ करते हैं कि सामने वाले पर्सन को फिजिकल हार्म हो जाए, ठीक है। एक बार इसको रीड करो अच्छे से, फिर मैं आपको ये दोबारा बताऊंगा। हाँ जी बच्चे, पढ़ लिया इसको? तो बॉडीली हार्म का मतलब क्या समझ में आ रहा है? विलफुल एक्ट। विलफुल का मतलब जानबूझ के किया गया काम, और सिर्फ स्टेटमेंट दे दी, कुछ बोल दिया डिफेंडेंट ने, जिससे सामने वाले पर्सन को फिजिकल हार्म हो जाएगा, तो इसे भी टोर्ट कहा जाएगा। अब इसको नोट कर लेना एग्जाम्पल को, जो मैंने आपको रिजल्ट वाले एग्जाम्पल दिए है ना, ताकि आपको बाद में चीजें फिर याद रहेंगी, ताकि आपको चीजें बाद में याद रहेंगी। विलफुल स्टेटमेंट, जानबूझ के आपने ऐसा बोला था कि भाई तू फेल हो गया, जिससे सामने वाले पर्सन को हार्ट अटैक आ गया। बात समझ में आ रही है? तो ये बॉडीली हार्म हो गया, उसको नुकसान हो गया, टोर्ट माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है? जेल, जेल में भेज देना, कैद है ना, कैद कर लेना। अब देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मान लो, ओहो ये तो मैथमेटिक्स की क्लास खुल गई। मान लो मैंने आपको बोला इधर आओ, आप आए मेरे पास, और मैंने एक सर्कल बना दिया, मैंने एक सर्कल बना दिया, और सर्कल बना के मैंने बोला कि इसके अंदर खड़े हो जाओ, यहां पे इसके अंदर, इस सर्कल में खड़े हो जाओ, इस सर्कल में मैंने आपको खड़ा कर दिया, और मैं यहां पे बैठ गया चेयर लेके, और मैंने बोला कि अब अगर इस सर्कल से तुम बाहर निकल गए, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो इस केस में क्या हुआ कि ये जो सर्कल था, आपकी बॉडी को मैंने इस एरिया में कन्फाइन कर दिया, लिमिट कर दिया, बांध दिया, आपको कैद कर दिया,
जबकि ऐसा करने का मेरे को राइट नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। तो एग्जाम्पल से समझ आया, जब आप किसी पर्सन की बॉडी को, बॉडी की बात हो रही है अभी यहां पे, बात किसकी हो रही है, फिजिकल बॉडी की बात हो रही है, जब किसी पर्सन की बॉडी को विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन के आप कैद कर देंगे तो उसे क्या बोलते हैं, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, देखिएगा, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कंसिस्ट इन द इम्पोजिशन ऑफ टोटल रिस्ट्रेंट। इम्पोजिशन ऑफ टोटल रिस्ट्रेंट इसका मतलब होता है पूरे तरीके से रोक लगा देना। इम्पोजिशन मतलब लगा देना, रिस्ट्रेंट मतलब रोक, टोटल मतलब पूरी, इम्पोजिशन मतलब लगाना, आपने पूरे तरीके से रोक लगा दी फॉर सम पीरियड हाउएवर शॉर्ट, चाहे वो कितना भी छोटा था, अपॉन द लिबर्टी ऑफ अनदर। आपने किसी पर्सन की स्वतंत्रता पर, लिबर्टी पे रोक लगा दी पूरी तरीके से विदाउट सफिशियंट लॉफुल जस्टिफिकेशन, और आपके पास कोई सफिशियंट कारण नहीं था। मान लो मैं एक चोर हूं, मैं एक डाकू हूं, और मैं आपके घर में घुस गया, जब मैं चोरी कर रहा था आप सब लोग सोए पड़े हो, आप जाग गए, मैं जिस कमरे में चोरी कर रहा था आप गए, आपने उस कमरे के आगे कुंडी लगा दी, ताला लगा के मेरे को बंद कर दिया और पुलिस को बुला लिया। बाद में मैंने आप पे केस कर दिया कि भाई इन्होंने मेरी बॉडी को क्या कर दिया था, एक कमरे में बंद कर दिया था। तो बताइए क्या ऐसा केस बन सकता है, बिल्कुल भी नहीं, वहां तो लॉफुल जस्टिफिकेशन है ना आपके पास, ये चोर आया तो चोर को तो पकड़ोगे ना, चोर ये कहते भाई ऐसा है अगर मेरे को पकड़ा तुम्हारे पे केस कर दूंगा मैं, तो ऐसा थोड़ी काम चलेगा भाई। बात समझ में आ रही है? या मान लो आपने चोरी की, पुलिस वाले ने आपको पकड़ के लॉकअप में बंद कर दिया, आप पुलिस वाले को धमकी देते हो, ओ पुलिस वाले या तो मेरे को बाहर निकाल दे नहीं तो तेरे पे केस कर दूंगा लॉ ऑफ टोर्ट का, तो वो क्या बोलेगा, कर ले जाके क्या करेगा, एक्ट में क्या लिखा है कि लॉफुल जस्टिफिकेशन अगर हो तो कुछ नहीं होगा, मैं तो भाई साहब तेरे को लॉफुली पकड़ के लाया हूं। बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि बिना किसी कारण के, विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, आप किसी पर्सन को कैद नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया, किसी पर्सन की लिबर्टी पे रोक लगाई, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट बोलेंगे। ठीक है, इट मीन्स अनऑथराइज्ड, यानी आपके पास अथॉरिटी नहीं है, रिस्ट्रेंट ऑन ए पर्सन बॉडी, आपने बिना पावर के किसी पर्सन की बॉडी पे रोक लगाई है। ठीक है, व्हाट हैपेंस इन द फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, क्या होता है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में, ए पर्सन इज कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब होता है लिमिट कर देना, बांध देना, एक पर्सन को लिमिट कर दिया जाता है विद इन सर्टेन लिमिट, कि भाई इस लिमिट में रहना है, इस घर से बाहर नहीं निकलना है तेरे को, सो दैट ही कैन नॉट मूव अबाउट, इससे क्या होगा वो बाहर नहीं निकल सकता, सो हिज पर्सनल लिबर्टी इज इन्फ्रिंज्ड, उसका जो पर्सनल लिबर्टी का राइट था वो क्या है, वो आपने छीन लिया, उसे इन्फ्रिंज कर दिया, इट इज ए सीरियस वोलेशन ऑफ पर्सन्स राइट एंड लिबर्टी व्हेन बीइंग कन्फाइंड विद इन द फोर वॉल और बाय बीइंग प्रिवेंटेड फॉर लिविंग प्लेस वेयर ही इज। या तो आपने उसको चार दीवारी में बंद कर दिया, या वो जिस जगह पे है आपने बंद नहीं किया, कुछ नहीं किया, घर के बाहर बंदूक लेके बैठ गए, भाई तू जैसे घर से निकलेगा तेरे को उड़ा देंगे हम लोग, तो इसका मतलब आपने उसकी बॉडी को रोक लगा दी है, तो ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का केस बनेगा। इफ ए मैन इज रिस्ट्रेंड बाय ए थ्रेट ऑफ फोर्स फ्रॉम लीविंग हिज हाउस, कि भाई अगर तूने तेरे घर से कदम रखा बाहर तो तेरे को हम खत्म कर देंगे, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का एग्जाम्पल है। एक बार फिर से पूरी बात दोबारा से बता रहा हूं, फिर से सुन लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, देखो थोड़ा थोड़ा समझ आया कि क्या मतलब है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का, इसका मतलब क्या है कि एक पर्सन को आपने कैद कर लिया, एक पर्सन को आपने कैद कर दिया और आपके पास ऐसा करने की पावर नहीं थी, लॉफुल पावर नहीं थी। देखो, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कंसिस्ट इन द इम्पोजिशन ऑफ टोटल रिस्ट्रेंट फॉर सम पीरियड, कुछ समय के लिए किसी बंदे पे टोटल रोक लगा दी आपने, अपॉन द लिबर्टी ऑफ अनदर,
विदाउट सफिशियंट लॉफुल जस्टिफिकेशन, आपके पास लॉफुल पावर नहीं थी, और देखो क्या लिखा है, हाउ एवर शॉर्ट, चाहे किसी ने आपको 30 सेकंड के लिए रोका हो, चाहे 5 सेकंड के लिए रोका हो, ये फॉल्स इंप्रिजनमेंट माना जाएगा। समय कितना कम है कितना ज्यादा है वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। इट मींस अनऑथराइज्ड रिस्ट्रेंट ऑन ए पर्सन्स बॉडी, एक पर्सन की बॉडी पे आपने अनऑथराइज तरीके से रोक लगा दी, होगा क्या, व्हाट हैपेंस इन फॉल्स इंप्रिजनमेंट इज दैट ए पर्सन इज कन्फाइंड, ए पर्सन को कन्फाइंड मतलब लिमिट कर दिया जाता है विद इन सर्टेन लिमिट सो दैट ही कैन नॉट मूव अबाउट, ताकि वो वहां से मूव ना कर सके, इससे उसकी पर्सनल लिबर्टी इन्फ्रिंज हो जाती है, पर्सनल लिबर्टी का राइट छीन लिया जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है, तो यहां से आपको क्या याद करना है, फॉल्स इंप्रिजनमेंट का मतलब है कि किसी पर्सन को आपने एक एरिया में लिमिट कर दिया, उसकी बॉडी को लिमिट कर दिया विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, तो लॉ ऑफ टोर्ट में फॉल्स इंप्रिजनमेंट का केस बन जाता है। इसके बाद आता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, मैलिशियस होता है गलत नियत से, प्रोसिक्यूशन होता है केस करना, या सिंपल सिंपल बोलो तो इसका मतलब है झूठा केस कर देना, किसी को परेशान करने के लिए जानबूझ के उसके ऊपर आपने झूठा केस कर दिया। तो देखो क्या होता है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कंसिस्ट इन इंस्टिगेटिंग, इंस्टिगेटिंग होता है शुरुआत करना, जुडिशियल कानूनी प्रोसीडिंग कार्रवाई, यानी आपने किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करवा दी, यूजुअली क्रिमिनल, क्रिमिनल केस में, अगेंस्ट अनदर मैलिशियसली मतलब कि गलत नीयत से, उसने कुछ किया नहीं है, जानबूझ को उसको परेशान करने के लिए आपने ऐसा करवा दिया, एंड विदाउट रीजनेबल एंड प्रोबेबल कोज, कोज मतलब कारण, और बिना किसी कारण के, आपके पास कोई रीजनेबल कारण नहीं था कि उसके ऊपर केस हो, तो हुआ क्या कि आपने क्या कह रहा है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कंसिस्ट इन क्या कह रहा है, इंस्टिगेटिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग अगेंस्ट अनदर मैलिशियसली, गलत नियत से आपने किसी पे कानूनी कार्रवाई स्टार्ट करा दी विदाउट रीजनेबल कोज, कोई कारण में नहीं था, ठीक है, मतलब आपने मेरे ऊपर केस कर दिया बेफालतू में, ऐसे ही आपको एक बच्चे को मैंने क्लास में धमका दिया, एक बच्चे को क्लास में मैंने धमका दिया, उसने बदला लेने के लिए मेरे पे झूठा केस कर दिया। अब देखो हुआ क्या, विच टर्मिनेट्स, टर्मिनेट मतलब खत्म होना, विच का मतलब केस, केस खत्म हो गया इन फेवर ऑफ दैट अदर, और दैट अदर कौन है, मैं, ये सिद्ध हो गया कि तुमने मेरे ऊपर गलत केस किया था, विच रिजल्ट्स इन डैमेज टू हिज रेपुटेशन, लेकिन इससे मेरी रेपुटेशन खराब हुई, पर्सनल फ्रीडम खराब हुई, मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा, तो अब मेरे पास एक अधिकार है कि अब मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा, किस बात का, कि भाई इसने मेरे पे झूठा केस किया था, मेरी रेपुटेशन खराब की, मेरी फ्रीडम के ऊपर इसने इंफ्रिंजमेंट किया, मेरी राइट ऑफ प्रॉपर्टी को इंफ्रिंज किया। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन आपको क्या राइट देता है कि अगर कोई पर्सन आपके ऊपर बिना किसी कारण के झूठा केस कर देता है और वो केस आप जीत जाते हो, तो अब आपके पास राइट आ जाएगा कि आप उस पे शू करो और उससे मानहानि का दावा कर सकते हो, उससे पैसे मांग सकते हो कि तुमने मेरी रेपुटेशन खराब की है इसलिए मैं तेरे पे केस कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये मत निकाल लेना कि अगर कोई आप पे केस करे और आप जीत गए तो आप उस पे दोबारा केस कर सकते हो। इसका मतलब ये है, ये प्रूव होना जरूरी है कि जिस पर्सन ने केस किया था उसने जानबूझ के किया था आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, उसके पास कोई कारण नहीं था केस करने का, तब होता है ये। ऐसा नहीं कि जो केस जीत गया वो दूसरे पे केस कर देगा, यहां पे उसकी नीयत खराब थी, मैलिशियसली किया था और विदाउट कोज किया था, ये बात ध्यान रखना बेटा। समझ पा रहे हो केस को? तो केस क्या बन रहा है कि जब एक पर्सन बिना किसी कारण के दूसरे पर्सन पे केस कर दे और दूसरा पर्सन केस जीत जाए, तो दूसरा पर्सन जिसने पहले केस किया था उस पे केस कर सकता है कि तूने मेरी रेपुटेशन खराब की है। आया बेटा समझ? नर्वस शोक, ये बहुत ही नया सा है अभी,
ये बहुत नया नया सा ही कंसेप्ट आया है। दिस ब्रांच ऑफ लॉ इज कंपेरेटिवली ऑफ रीसेंट ओरिजन, मतलब ये बहुत नया सा केस है। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, इट प्रोवाइड्स रिलीफ व्हेन ए पर्सन मे गेट फिजिकल इंजरी नॉट बाय एन इंपैक्ट बाय स्टिक बुलेट तलवार, मेयरली बाय नर्वस शोक थ्रू व्हाट ही हैज सीन और हर्ड। इसमें क्या कह रहा है कि एक पर्सन को उसने कुछ देखा या सुना, उसकी वजह से उसको नुकसान हो गया था। किसी ने उसको डंडा नहीं मारा, किसी ने गोली नहीं मारी, किसी ने तलवार नहीं मारी, सिर्फ उसके दिमाग में झटका लगा। क्यों लगा? क्योंकि उसने कुछ ऐसा देखा या सुना। एक केस बताता हूं, एक पर्सन एक गाड़ी लेके जा रहा था और उसने क्या किया, एक मदर और एक उसकी बेटी जा रही थी, उनमें गाड़ी ठोक दी। वो जो उसकी डॉटर थी उस मदर की, उसकी डेथ हो गई वहां पे। ठीक है, वो मदर बच गई, लेकिन उस मदर ने जब वो केस देखा सारा जो हुआ उसके सामने, उससे उसके दिमाग में इम्बेलेंस हो गया, वो पागल हो गया, कुछ भी ऐसा हुआ, तो ये नर्वस शोक का केस बन गया। फिर उस लेडी ने उस पे लॉ ऑफ टोर्ट में भी केस किया कि तुमने जो किया उसको देखने की वजह से मेरे को दिमाग में परेशानी होगी, मेरे को दिमाग में झटका लगा और मेरे को ये नुकसान हो गया, मेरे को मेंटल डिस्टरबेंस हो गया, तो मेरे को इस बात का कंपनसेशन चाहिए। तो ये बड़ा नया सा है, बहुत पुराना नहीं है। लिखा भी है ना देखो यहां पे, दिस ब्रांच ऑफ लॉ इज कंपेरेटिवली ऑफ रीसेंट ओरिजन, ये अभी नया नया सा है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स रिलीफ व्हेन ए पर्सन मे गेट फिजिकल इंजरी नॉट बाय एन इंपैक्ट स्टिक बुलेट स्वॉर्ड, इससे नहीं हुआ इंजरी, किससे हुआ, उसने कुछ देखा या सुना। कोजिंग नर्वस शोक इटसेल्फ इज नॉट इनफ टू मेक एन इंपैक्ट, सिर्फ दिमाग में झटका लगना से नहीं होगा, टोट नहीं बनेगा, इंजरी भी होनी जरूरी है, उसके दिमाग में कोई इमोशनल डिस्टरबेंस, कोई फियर पैदा हुआ हो, ये भी जरूरी होता है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, कि आपने कुछ गलत देखा, कुछ गलत सुना, जिससे आपके आपको शोक लगा, लेकिन आपका बिगड़ा कुछ नहीं, तो ये लॉ ऑफ टोर्ट में कवर नहीं होगा। फिर से सुन लो पूरी बात ध्यान से, फिर से सुन लो पूरी बात ध्यान से, इट प्रोवाइड्स रिलीफ, ये नर्व शोक वाला पॉइंट रिलीफ देता है व्हेन ए पर्सन मे गेट फिजिकल इंजरी, एक पर्सन को फिजिकल इंजरी हुई, लेकिन कह रहे हैं स्टिक से, बुलेट से, तलवार से नहीं हुई, बल्कि किससे हुई, बाय द नर्वस शोक थ्रू व्हाट ही हैड सीन और हर्ड, जो उसने देखा, जो उसने सुना, उससे हुई है। बात समझ में आ रही है, जब कोई पर्सन कुछ देखता है या सुनता है जिसकी वजह से उसको फिजिकल इंजरी हो जाती है, फिजिकल इंजरी कैसे होगी, दिमाग में होगी देखने या सुनने से, ऐसा तो है नहीं आपने कुछ देखा और आपका हाथ टूट के गिर गया, हाथ कट गया, कुछ सुना तो आपकी टांग कट गई, ऐसे थोड़ी होगा। जो फिजिकल इंजरी होगी वो कैसी होगी, वो माइंड के लेवल पे होगी। अब ये कह रहा है कि कोजिंग नर्वस शोक इटसेल्फ इज नॉट इनफ, सिर्फ नर्वस शोक होने से कुछ नहीं होगा, सम इंजरी और इलनेस मस्ट टेक प्लेस, जब आपने कुछ गलत देखा या गलत सुना तो उससे इंजरी इलनेस भी हुई हो, नर्वस शोक प्लस इलनेस और इंजरी दोनों चीजें होनी जरूरी हैं, तब जाके ये टोर्ट में केस बनेगा, वरना तो नहीं बनेगा। आपने कुछ गलत देखा, आपको शोक लगा, लेकिन आपका कुछ बिगड़ा नहीं, तो लॉ ऑफ टोर्ट में नर्वस शोक का केस नहीं बनता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज डिफामेशन। डिफामेशन को हिंदी में बोलते हैं निंदा करना, किसी के बारे में गलत बोलना, किसी की रेपुटेशन पे अटैक करना। ठीक है, जैसे मान लो आपने सबको ये बोला कि ये जो सुनील सर हैं जो ये पढ़ा रहे हैं, इन्होंने दो शादी की हुई है, एक इन्होंने घर पे बता नहीं रखी, इनकी दो वाइफ हैं और ये ठीक बंदा नहीं है ये बिल्कुल भी। ठीक है, ऐसा आपने लोगों को मेरे बारे में बोला, तो इससे मेरी रेपुटेशन पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, और ये बात झूठ थी, तुमने झूठ बोला ये बात। ठीक है, तुम्हें लगता है शकल से मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं बहुत शरीफ हूं, शकल से लग रहा हूं ना बिल्कुल शरीफ, तो ये कह रहा है कि डिफामेशन इज एन अटैक ऑन द रेपुटेशन ऑफ ए पर्सन,
किसी पर्सन की रेपुटेशन पे आप अटैक करते हैं उसके बारे में कुछ गलत बोल के, तो इसको क्या बोलते हैं? डिफामेशन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इट मीन्स दैट समथिंग इज सेड और डन बाय ए पर्सन विच अफेक्ट द रेपुटेशन ऑफ अनदर। एक पर्सन ने कुछ किया या बोला जिससे सामने वाले की रेपुटेशन पे अटैक हुआ, तो क्या कह रहा है? देखो, डिफामेशन इज द पब्लिकेशन ऑफ ए स्टेटमेंट। आपने किसी स्टेटमेंट को पब्लिश किया विच टेंड्स टू लोअर ए पर्सन, किसी पर्सन की रेपुटेशन को, लोअर ए पर्सन मतलब किसी पर्सन की वैल्यू को कम करना, इन द एस्टिमेशन ऑफ राइट थिंकिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी जनरली। कि सोसाइटी के लोग उसके बारे में जो सोचते हैं अब उसके बारे में पहले से लोअर सोचेंगे, उसको सोचेंगे घटिया बंदा है। विच टेंड्स टू मेक देम शन और अवॉइड दैट पर्सन, जिससे वो पर्सन उसको अवॉइड करने लग जाएंगे कि भाई ये बंदा गलत है, इसे दूर रहो। जैसे आपने मेरे बारे में कुछ गलत गलत बातें सारी दुनिया को बोल दी, अब दुनिया वाले लोग मेरे से कटने लगे, मेरे से दूर रहते हैं कि इस बंदे से बात मत करो, ये तो बहुत बेकार बंदा है। तो दिस इज कॉल्ड डिफामेशन, आपने निंदा की है। बात समझ में आ रही है? फिर सिखाऊं एक बार, फिर से सुन लो पूरी की पूरी बात। एग्जाम में खाली क्वेश्चन क्या आएगा? अटैक ऑन द रेपुटेशन ऑफ ए पर्सन क्या है? डिफामेशन है, बस इतनी सी बात है, पूछेगा पेपर में। तो डिफामेशन इज एन अटैक ऑन द रेपुटेशन ऑफ ए पर्सन। इट मीन्स दैट समथिंग इज सेड और डन बाय ए पर्सन विच अफेक्ट्स द रेपुटेशन ऑफ अनदर। ठीक है, डेफिनेशन क्या दी है? पब्लिकेशन ऑफ ए स्टेटमेंट, यानी किसी स्टेटमेंट को पब्लिश कर देना, किसी स्टेटमेंट को बोलना या छाप देना, विच टेंड्स टू लोअर ए पर्सन इन द एस्टिमेशन ऑफ राइट थिंकिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो मेंबर ऑफ सोसाइटी है वो उसको अब लोअर काउंट करेंगे, ये पर्सन सही नहीं है। ठीक है, और विच टेंड्स टू मेक देम शन और अवॉइड दैट पर्सन, और वो उस मेंबर ऑफ सोसाइटी उस पर्सन को अवॉइड करने लग जाएंगे, ये डिफामेशन है। अब डिफामेशन के दो पार्ट बनाए गए हैं, इसको मैं एक बार थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, जूम कर देता हूं, ताकि आपको थोड़ा दिखाई दे जाएगा अच्छे से ना। देखो, डिफामेशन मे बी क्लासिफाइड इनटू टू हेड, दो हो सकते हैं, वन इज लीबल एंड सेकंड इज स्लैंडर। लीबल इज ए रिप्रेजेंटेशन मेड इन सम परमानेंट फॉर्म। परमानेंट फॉर्म क्या हो सकता है? जैसे किसी मूवी में आपने किसी के बारे में गलत बोला, अखबार में छाप दिया, ठीक है, तो कह रहे हैं रिटन वर्ड्स, पिक्चर्स, सिनेमा फिल्म्स, रिकॉर्डेड वर्ड्स। जैसे अभी मैं किसी के बारे में कुछ गलत बोल दूं तो ये सब रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये परमानेंट फॉर्म में आ गया, तो दिस इज कॉल्ड लीबल। ठीक है, इन ए सिनेमा फिल्म बोथ फोटोग्राफिक पार्ट ऑफ इट एंड द स्पीच विच इज सिंक्रोनाइज्ड विद इट अमाउंट टू टोट। वैसे इसको करने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूं। कह रहे अगर कोई सिनेमा फिल्म है, फिल्म चल रही है जिसमें फोटो आ रही है और साउंड आ रही है और दोनों को मिक्स कर दिया, सिंक्रोनाइज मतलब मिक्स कर दिया, और किसी के बारे में कुछ गलत बोला गया है, तो इसको क्या बोलेंगे? टोट बोलेंगे, डिफामेशन बोलेंगे। तो यहां से याद क्या करना है? लीबल कौन से वाला होता है? जो परमानेंट फॉर्म में होता है। एग्जाम में ये पूछेगा परमानेंट फॉर्म में किसी की डिफामेशन करेंगे, क्या बोलेंगे? लीबल बोलेंगे। और स्लैंडर कौन सा होता है? स्लैंडर इज द पब्लिकेशन ऑफ ए डिफामेटरी स्टेटमेंट इन ए ट्रांजिएंट फॉर्म। ट्रांजिएंट होता है जो नष्ट हो जाएगा, जो खत्म हो जाएगा, जो टेम्परेरी है। जैसे मान लो आप दो दोस्त खड़े हैं आपस में कहीं भी, और एक ने किसी के बारे में कुछ बोल दिया, तो वो परमानेंट तो नहीं ना, बोला खत्म हो गया, रिकॉर्ड उसका कुछ भी नहीं है। तो स्टेटमेंट ऑफ टेम्परेरी नेचर सच एज स्पोकन वर्ड्स, जेस्चर, ये क्या है? ये सिलेंडर है। तो याद क्या करना है? जो सिलेंडर है वो टेम्परेरी नेचर का होता है, जो लीबल होता है वो परमानेंट फॉर्म में होता है। ठीक है, तो आपने सिर्फ कोई शब्द कहीं बोले थे, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, बोला और खत्म हो गया, तो ये सिलेंडर माना जाएगा। तो जनरली द पनिशमेंट फॉर लीबल इज मोर सीवर, मतलब हार्ड, इसमें ज्यादा हार्ड पनिशमेंट मिलेगी देन सिलेंडर। क्यों? क्योंकि लीबल तो परमानेंट हो गया ना, बारी बारी सब लोग देखेंगे, सिलेंडर होता है एक ही बार हुआ, बात खत्म हो गई थी। अब ये भी याद कर लेना, डिफामेशन इज ए टोट एज वेल एज क्राइम इन इंडिया। अगर आपने किसी की डिफामेशन की, किसी की निंदा की जिससे उसको नुकसान पहुंचे, उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचे, तो लॉ ऑफ टोट में तो केस बनेगा ही बनेगा, इंडियन पिनल कोड क्रिमिनल एक्ट में भी आपके ऊपर केस बनेगा।
तो क्या कह रहे हैं देखो, इन इंडिया बोथ लीबल एंड सिलेंडर आर ट्रीटेड एज ए क्राइम, दोनों को क्या माना जाता है, क्राइम माना जाता है। ये सेक्शन याद कर लेना, सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड क्या है, भारतीय दंड संहिता। फिल्मों में ऐसे सुना होगा ना, जब किसी को फांसी की जज सुनाते हैं तो मुलजिम को ताजीरात-ए-हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो ताजीरात-ए-हिंद मतलब इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता क्या कहती है, इसमें अलग अलग धारा बताई गई हैं कि अगर आपने ये काम किया तो आपको इतनी सजा होगी, ये काम किया तो इतनी सजा होगी। तो धारा 302 में क्या बताया गया है, मर्डर, किसी का खून किया तो क्या हो सकता है। धारा 307 हत्या प्रयास, 420 फ्रॉड, ऐसा बोलते ना बंदा 420 है। तो इंडियन पिनल कोड की धारा 420 बताती है फ्रॉड के बारे में। तो ऐसे ही सेक्शन 499 जो है इंडियन पिनल कोड का, वो डिफामेशन के बारे में बताता है और क्या कहता है कि लीबल और सिलेंडर आपने किया तो इसको अपराध माना जाएगा और आपको जेल हो सकती है इस चीज के लिए। तो यहां से आपको क्या समझना है, डिफामेशन मीन्स किसी पर्सन की रेपुटेशन पे अटैक करना, किसी पर्सन की रेपुटेशन पे अटैक करना, ठीक है। और दो फॉर्म हो सके डिफामेशन के, एक लीबल एक सिलेंडर। लीबल परमानेंट फॉर्म होगा, सिलेंडर कैसा फॉर्म होगा हमारा, टेम्परेरी नेचर का होगा। और अगर हम लोग बात करें डिफामेशन इंडिया में, ये टोर्ट में भी कवर होता है और क्रिमिनल एक्ट में भी कवर होता है। सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पिनल कोड ये बोलता है लीबल और सिलेंडर दोनों ही चीजें क्या है, इंडिया में ऑफेंस मानी जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने आपको कुछ टोट बताए हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और नई नई बातें सिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही। थैंक यू।